हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्लास 11। ठीक है, हमने जो है बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ ली है, मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब मोशन टू डायमेंशन में जो हम देखते हैं उसी मोशन के बारे में आज हमें बात करनी है। तो चैप्टर का नाम है बच्चा लोग मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मोशन इन अ टू डी टू डायमेंशन। इज दैट क्लियर? मोशन प्लेन्स, इट मींस व्हाट? कि मोशन आपकी होगी टू डायमेंशन में, है ना। मोशन इन टू डी, यू कैन क्लियरली से दैट। ओके, तो पहली चीज, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का जो वेटेज है, वो वेटेज देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना इसका वेटेज है। थोड़ा स्पेलिंग कर लेते हैं सही वाला, है ना। चलो भाई, इरेज हो जाओ। इसका वेटेज 7 से 8 मार्क का, है ना। सुनियो ध्यान से, 7 से 8 मार्क का क्वेश्चंस थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं। बोलो, आई चीज समझ में, है ना। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो सवाल बनते हैं जेई मेंस और नीट में, बढ़िया बढ़िया वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर। आपका टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूँ 4.1। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है जरा? इंट्रोडक्शन। तो देखो बेटा, बता दो आपको कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आपको क्या चीजें याद करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है कि नहीं। चलो फिर कहानी क्या, इसके पीछे की कहानी समझते पहले। तो बच्चा लोग, इसके पीछे की कहानी ये है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसमें अपनी कार जो थी, कार को क्या था, कंस्ट्रेन था, उसको बल जबरी से बोला गया था कि तू जो है एक ही लाइन में मूव करेगी, दूसरी लाइन में मूव करेगी तो फाइन ठोकेंगे हम तेरे ऊपर। ठीक है, तो कार अपनी जा रही थी ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, या तो फिर ओनली इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कार ऐसे जा रही है, ऐसे जा सकती है कार, ऐसे मान लो ऐसे जा रही है तो मुड़ नहीं सकती, सीधी ही जाएगी या सीधी ही वापस आएगी। तो बेटा यहाँ पे जो ना एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी बनती है। ये तो ठीक है, चलो कि हमने वन डायमेंशन मोशन सीख लिया तो हम बोल सकते थे कि हमारी कार जा रही है पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का मामला जो था थोड़ा समझना आसान हुआ था जब वन डायमेंशन हमने पढ़ा था, है ना। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया कि मान लो ये ओरिजिन वो है, कोई पार्टिकल या कोई बंदा यहाँ से शुरू करता है, मूव करता है पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना। तो हमने ये पॉजिटिव एक्स दिया था, फिर अगर बैकवर्ड जा रहा है तो उसको हमने नेगेटिव एक्स दिया था। तो यहाँ पे जो बच्चा लोग, मामला किसका है, प्लस और माइनस का मामला है। किसका मामला है? प्लस और माइनस का। किसका है मामला? प्लस और माइनस का, है ना। तो अब सवाल उठता है कि जब कोई मोशन 2D में हो तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना होगा। तो तब भी यही चीज सेम प्रॉब्लम रहेगी। तो जब मोशन 2D में, 2D मतलब मान लो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बोलू कि ये पत्थर है, इस पत्थर को मैंने फेंका U = 25 मीटर पर सेकंड से मैंने ये पत्थर को फेंका, है कि नहीं। तो पत्थर कुछ ऐसे मूव करेगा ऐसा, ये हो गया इसका एच मैक्स। ठीक है, तो मैक्स, एच मैक्स का मतलब होता है जब पत्थर ने फेंका, तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो अपनी क्या होगी, उस पत्थर में जो जिस पॉइंट से वो मैक्सिमम गया उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसे बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, जो आप सीखोगे आगे जाके, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको सीखना क्या हो सुन लो पहले। तो यहाँ पे देखोगे आप तो पार्टिकल ही अपना, अगर मैं डायरेक्शन देखूँ, डायरेक्शन तो ऐसे हम लेते थे एक्स, ऐसे लेते हैं वाई, है ना। अरे चीज समझ में, नीचे है तो इसे लिखते हैं माइनस वाई, यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पार्टिकल जो ऊपर भी गया है और ऐसे भी गया। कोई और लेते हैं कलर भाई, कलर, अरे आजा भाई, देखो कुछ करा उसके बाद ही आया,
ऊपर गया ऐसे गया, तो मतलब पार्टिकल जो है दो दिशाओं में मूवमेंट कर रहा है भाई। कितनी दिशाओं में? अरे बोलो जरा कितनी दिशाओं में? अरे दो दिशाओं में मूवमेंट कर रहा है ना। पार्टिकल तो एक्स में भी जा रहा है, नॉटी पार्टिकल है भाई, और पार्टिकल तो वाई में भी जा रहा है ना। तो यहाँ पे मामला क्या है कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसको हम प्लस बोले माइनस बोले, ये कौन सी दिशा में जा रहा है? क्या वो एक्स की पॉजिटिव में जा रहा है, एक्स की नेगेटिव में जा रहा है? तो यहाँ पे जो गड़बड़ी हो सकती है प्लस माइनस में, किसमें गड़बड़ी हो सकती है? प्लस माइनस में, है ना, किसमें गड़बड़ी हो सकती है? प्लस माइनस में। तो पहला सवाल उठता है ये कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, है ना। देखो कैसे, अब ये बवाल कहाँ होती है? ये बवाल होती है मान लो बॉर्डर पर, कि मान लो कोई सिपाही है उसको समझाना कि भाई मैंने बम जो है कहाँ फेंका और अपना दुश्मन कितने रेंज पे है, कहाँ पे अपना दुश्मन है, उसको समझाना, कैसे समझाएगा कि एक्स में यहाँ पे, एक्स में वाई में यहाँ पे है, है ना। होते ना कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, डिरेक्शन आपको चाहिए वाई में या एक्स में, है कि नहीं। एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो यहाँ पे मामला आता है प्लस माइनस का। तो 2D डायमेंशन में जो है बेटा हमें प्लस माइनस का जो है झोल कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो झोल फिर सभी साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग बैठाई, न्यूटन बैठा था, गैलीलियो बैठा था, आइंस्टाइन बैठा था। तो न्यूटन ने रखी एप्लीकेशन कि भाई आइंस्टाइन ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि ये जो है दिक्कतें बार बार आ रही है तो इसका हमें परमानेंटली सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिर मीटिंग में डिसाइड हुआ कि न्यूटन एक काम करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना ये कोऑर्डिनेट्स, इसको ये ले ले तो कैसा रहेगा, क्योंकि सब लोग को पता भी है, थोड़ा समझने में भी इजी है, समझने में इजी भी हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अगर ऐसा है तो इसको बोल दिया जाएगा पॉजिटिव एक्स, अगर ऐसा है तो इसको बोल दिया जाएगा नेगेटिव एक्स, अगर ऐसा है तो बोल दिया जाएगा माइनस वाई, और अगर ऐसे है तो बोल जाएगा पॉजिटिव वाई। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में। मान लो अगर तुम्हारा डिस्प्लेस, मान लो तुम ओरिजिन लो, यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी शुरू करी है ना, मान लो गाड़ी ने इस दिशा में मूव करना शुरू किया, T=0 पे गाड़ी ने शुरू किया मूव होना, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि गाड़ी जो है इसका वेक्टर जो है, वेक्टर जस्ट आगे वाला टॉपिक ही वेक्टर है अपना, इसका जो वेक्टर की दिशा जो है इसकी दी है ना, जो मूव होने की दिशा डायरेक्शन कौन सी दिशा में? पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब मान लो गाड़ी धीरे 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 आगे गई, अब ड्राइवर को ब्लॉक करे, ड्राइवर भूल गया हमारा मोबाइल तो घर पे रह गया है ना, तो क्या करेगा? यहाँ से पलटी मारेगा, हो पलटी मारी भाई, तो गाड़ी फिर से क्या हो जाएगी? रिवर्स में। तो यहाँ पे ई हो जाएगा नेगेटिव, डी क्या होने लगेगा? नेगेटिव, है ना। तो साइन है, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, कितना होगा वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये हम पढ़ क्या है वन डायमेंशन मोशन में, है ना, कितना होगा वो पढ़ क्या है हम वन डायमेंशन मोशन में। तो यहाँ पे बच्चा लोग मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उसकी साइन क्या होगी, है कि नहीं, साइन क्या होगी, बोलो आई चीज समझ में। वैसे ही देखो, अगर मैं पत्थर को फेंक रहा हूँ, अरे पत्थर गया ऊपर सनसनाटी, है ना, तो पत्थर की जो वेलोसिटी होगी इनिशियल कैसी होगी? अरे पॉजिटिव। कैसी होगी? अरे पॉजिटिव। अब जब पत्थर जब मैक्सिमम हाइट से पलटी मारेगा ना, पलटी मार रहा है, तो यहाँ पे यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? जब पार्टिकल ऊपर गया था तो दिशा कौन सी थी? पॉजिटिव, है ना। जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो दिशा कौन सी है? नेगेटिव। आपको जो है इसके सेंटर पे बैठ जाना है, क्या करना है? बैठ जाना है भाई, और बस इधर उधर 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 देखते रहना है, राइट लेफ्ट अपर डाउन देखते रहना है। बोलो आई क्या चीज समझ में? आई क्या समझ में? ये जोलम जोल है डिरेक्शन का। आपको याद क्या करना है? आपको याद सिर्फ इतना ही करना है, अगर पार्टिकल इस दिशा में है तो उसको लोगे पॉजिटिव, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको लोगे पॉजिटिव। बोलो आई बात क्या समझ में? बोलो आई बात क्या समझ में? अब जो भी क्वांटिटी ऊपर की दिशा में है उसको आप क्या लोगे? अरे पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव। उसका नीचे वाला क्या लोगे? नेगेटिव। क्या लोगे? नेगेटिव। और ऐसे है लेफ्ट साइड तो लोगे नेगेटिव। बोलो चीज हुई क्या क्लियर? इसको देख लो जरा, मैं मूव हो जाता हूँ ना, देखो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव वाई है, पूरे एक बार देख लो, जहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा मैं बीच में आ रहा हूँ, तो मैं स्लाइड एक पूरी एक बार आपको लास्ट में एक साथ दिखा दूंगा, है ना, तो टेंशन ना लियो,
लिखना बाकी रह जाता तो वहाँ पे पेंसिल से राउंड कर दियो। ठीक है, बोलो आया समझ में? ये भी देख लो, लो ये मतलब सब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो जरा, नेगेटिव वाई लिखा हुआ है ना, बाकी कुछ तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, डायरेक्शंस कैसे लेनी है। अपर कोई चीज़ गई तो पॉजिटिव, लेफ्ट गई तो पॉजिटिव, डाउन गई तो नेगेटिव, राइट सॉरी लेफ्ट गई तो नेगेटिव, राइट गई तो पॉजिटिव, लेफ्ट गई तो नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक है, शुरू करें टॉपिक। अब आ जाओ टॉपिक 4.2 पे, वेक्टर एंड स्केलर। देखो जरा मैंने करी है गड़बड़ी, अरे तुम देखो, अरे देखो ना, देखते रहियो भाई, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, पहला सवाल उठता है, अब इसके पीछे की कहानी सुनो, क्या कहानी है ना, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये क्यों लाना जरूरी है और क्यों लाया गया है कि नहीं। चलो आप लोगों में से कोई किसी को उठा लेते हैं, सुनो इसके पीछे की कहानी क्या। एक था मोंटू ना, इसको बोलते हैं मोंटू, और एक अपना था गोलू। ना एक क्या था गोलू, है कि नहीं। अब मोंटू जो है थोड़ा गोलू, जो गोलू मोलू थोड़ा जो है इंटेलिजेंट था, कैसा था, क्लेवर बंदा था, कैसा था, क्लेवर। अरे ये तो था क्लेवर, अरे ये तो था पागल, क्योंकि ये क्या करता था, है ना, समझ गया। ठीक है, सुन लो तो कहानी क्या इसके पीछे की। अब भाई साहब कहानी ये है, गोलू मोलू मोंटी, इसको मोंटी, इसको गोलू, इसको मोलू बोलते हैं ना, थोड़ा जो है बैठ जाएगा। गोलू मोलू है ना। अब जो है ध्यान से सुनियो भाई, ध्यान से सुनियो। गोलू मोलू जाता है, गोलू ये हो गया अपना गोलू, ये हो गया मोलू। गोलू था क्लेवर, मोलू था अपना पागल जैसा, है ना। अब दोनों को क्या हुआ, पानी पूरी खाने का मन हुआ, है ना, पानी रखे मुंह में, दोनों को मन हुआ पानी पूरी खाने का। अरे दोनों के पानी पूरी की लारियों पे, है ना, यहाँ पे थोड़ी लारी ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉइंग पे मत जाइयो, पुड़िया पड़ी है ना यहाँ पे, बहुत सारी पुड़िया पड़ी है। तो ये हो गया पानी पूरी वाला बंदा। चलो गोलू मोलू आ गए यहाँ पे, है ना, बोले भाई भाई हमें पानी पूरी दो। ठीक है, है ना। तो पानी पूरी वाले ने पूछा, क्या पूछा, पानी पूरी वाले ने पूछा मोलू को, क्या पूछा, मोलू को। देखो क्या पूछा मोलू को, उसने पूछा मोलू मोलू गोलू मोलू तुम कहाँ से आए, क्या बोला गोलू मोलू। पानी पूरी वाले ने पूछा, पानी पूरी वाले ने पूछा गोलू मोलू तुम कहाँ से आए। मोलू था पागल, मोलू बोला अरे हम तो रहते हैं 1.5 किलोमीटर, हम तो 1.5 किलोमीटर से आए, हम तो 1.5 किलोमीटर से आए। तो फिर पानी पूरी ने फिर से पूछा अरे ये क्या, ये कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से आए तुम लोग। अरे हम तो 1.5 किलोमीटर रहते हैं, हम तो 1.5 किलोमीटर से आए। मोलू बोला 1.5 किलोमीटर से आ रहे हम लोग। फिर भी पानी पूरी वाले नहीं समझा, है ना, समझ रहे चीज को। तो फिर यहाँ पे सुनना, फिर गोलू ने जवाब दिया अरे भैया अरे हम जो है ना आए हैं यहाँ पर रुस्तम सर्कल है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ से आ रहे। अब समझा पानी पूरी वाला, हाँ अच्छा वहाँ से आए तुम लोग। गोलू ने क्या आंसर दिया, अरे हम तो आ रहे 1.5 किलोमीटर से, समझ रहे हो चीज को, समझ रहे हो चीज को, हम तो आ रहे 1.5 किलोमीटर से। नहीं चमका पानी पूरी वाले को। तो गोलू ने क्या करा, गोलू था क्लेवर, अरे भैया हम तो रुस्तम सर्कल से है, 1.5 किलोमीटर पे हमारा घर है, समझ रहे हो चीज को, क्या बोला रुस्तम सर्कल, है ना, समझ रहे हो चीज को। फिर अब खनका दिमाग में, अब सही है, अब सही है, है ना, अब सही है, समझ गया कहाँ से आ रहे तुम लोग। ओके अब टाक पानी पूरी लगाओ, लगाई पानी पूरी, है कि नहीं, पानी पूरी लगाई। तो इसने क्या करा, फिर यहाँ पर देखना एक और चीज। तो यहाँ से गोलू ने, मोलू ने सवाल पूछा कि अरे भाई ये तुम मुझे पानी पूरी दो, यहाँ कितने ग्राम की होती पानी पूरी है। तो बोला
कितने ग्राम की होती है पानी पूरी? मोलू बोला। कौन बोला? मोलू। कितने ग्राम की होती है पानी पूरी? तो उसने जवाब दिया भाई 10 ग्राम की हो जाएगी। 10 ग्राम की होती है मिनिमम 10, है ना, 10-20 ग्राम की, ठीक है, 10-20 ग्राम की होती है, ठीक है, 10-20 ग्राम की होगी पानी पूरी। तो ऐसे कितनी खाते हैं पानी पूरी? तो ऐसे 10 के आप देखो तो 10 की मिलती है 5, है ना। तो फिर लास्ट में पानी पूरी खा लिया सबने। फिर आपस में गोलू मोलू डिस्कशन हो रहा है, गोलू मोलू का, आप डिस्कशन सुनिए ध्यान से। तो मोलू और गोलू में डिस्कशन ये हुआ कि गोलू, चल गोलू बता हमने कितने ग्राम पानी पूरी खाई होगी। तो गोलू ने हिसाब लगाया कि देख, अगर हम एवरेज भी मान के लिए चलते हैं कि 15 ग्राम पानी पूरी 5 खाई, तो हमने 75 ग्राम पानी पूरी खाई, है ना, ठीक है, 75 ग्राम पानी पूरी। ओ, इतनी सारी पानी पूरी खाई, 75 ग्राम? हाँ भाई। फिर मोलू जो कंफ्यूज हुआ था, मोलू ने सवाल पूछा गोलू को। गोलू, मैं जब बताया पानी पूरी वाले को कि ये डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर था, वो नहीं समझा था, लेकिन तूने बता दिया तो समझ गया। क्यों ऐसा, क्यों समझ गया हो? तो यहाँ पे जो है अपना गोलू था क्लेवर, उसने फिजिक्स अपने से पढ़ी थी, है ना, तो होगा इंटेलिजेंट, सीधी सी चीज है, अपने से फिजिक्स पढ़ी तो इंटेलिजेंट ही होगा। तो फिर गोलू ने समझाया कि बेटा, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको दिखाने के लिए तुझे कुछ रेफरेंस पॉइंट या डायरेक्शन लेनी होती है। कौन बोला? ये गोलू बोला। कि गोलू कैसा है? क्लेवर है, और फिजिक्स अपने पास से पढ़ी है फिजिक्स उसने, तो क्लेवर होगा ही होगा। तो फिर मोलू समझा, ओहो अब बात समझ में आई, कि मतलब मुझे अगर अंतर दिखाना था तो मुझे बोलना चाहिए था कि रुस्तम से इतना किलोमीटर है, तुम इस दिशा में जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा, है ना। बोला, अरे ये कहानी थी। तो ये कहानी जो गोलू मोलू अगर चक्कर खा गए हैं, तो पहले के ज़माने में जो साइंटिस्ट लोग जो थे, उसने भी चक्कर खा गए होंगे ना, उसका भी भेजा जो खराब हुआ ही होगा। तो भेजा खराब ना हो, उसके लिए उसने जो भी ऐसी क्वांटिटी है, उसको उसने अलग किया, जिसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन भाई किस दिशा में प्रॉपर है वो पता, है ना। पानी पूरी वालों को समझ में आ गया कि भाई ये रुस्तम सर्कल से 1.5 किलोमीटर है, राइट मारोगे रुस्तम सर्कल से आप पूरब दिशा में जाओगे तो वहाँ पर 1.5 किलोमीटर इनका घर है, तो मतलब इतनी दूर से ये आ रहे हैं। लेकिन मोलू ने क्या बोला, हम लोग 1.5 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो चक्कर खा गया भाई पानीपुरी वाला, तो नहीं समझ में आएगा, जाहिर सी चीज़ है, है ना, समझ लो चीज़ को। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, ऐसी जो जो भी क्वांटिटी है उनको भाई अलग करो, उनके दो टाइप्स गिरे। तो उन दो टाइप का नाम क्या है, देखो तो आगे की स्लाइड में लिखता है मैं, उन दोनों का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। बोलो जरा क्या नाम है? स्केलर एंड वेक्टर। अगर कहानी समझ में आई, कहानी में मजा आया, तो कमेंट पक्का करोगे, प्रॉमिस, कमेंट करना है पक्का। आई बात समझ में? तो जैसे ही गोलू मोलू को पूछा गया, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो, तो गोलू ने बताया, अरे हम तो आ रहे रुस्तम सर्कल से 1.5 किलोमीटर, तो रुस्तम सर्कल क्या हुआ, एक रेफरेंस फ्रेम हुई, तभी पानी पूरी वाले को चमका। फिजिक्स जो है उसको भी आती है पानी पूरी वाले को भी, लेकिन हसाला हमें ही नहीं आती है, है ना। अगर समझोगे तो तुम्हें आ जाएगी फिजिक्स। अगर कहानी समझ में आई, कहानी में मजा आया, तो कमेंट पक्का करोगे, याद रखना, है ना। चलो ये हो गया। फिर साइंटिस्ट लोगों को भी ये खराब हो गया, भाई ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये भी कैसे चलेगा, है ना। ये बहुत सारी कहानी है। जैसे मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, आप जा रहे हो डुमस, ठीक है, तो दोस्त का फोन आया, पता है पहले क्या पूछेगा, अबे कहाँ पे तू, सही सवाल करेगा सीधा, कहाँ पे भाई? तो पूछोगे, भाई मैं जा रहा हूँ वीआर मॉल। तो पूछेगा कहाँ से चले, पूछेंगे ना कहाँ से चले तुम लोग, तुम क्या बोलोगे कि भाई हमने जो है हम कैनाल रोड से गए थे सीधा, है ना, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है, मतलब कोई भी रेफरेंस फ्रेम के साथ आप उस चीज़ को दिखाओगे, है ना। फिर आप मान लो, फिर अब गोलू मोलू देखो, तो गोलू मोलू को यहाँ पे देखो, गोलू मोलू को सेट हो गया, मतलब कोई भी क्वांटिटी जो है इसको दिशा या रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब गोलू मोलू थोड़ा पागल बंदा था, ऐसे ही तो पागल थोड़ी है, क्या हुआ, गया ग्रोसरी की शॉपिंग में। अब पता है क्या जाके बोला कि भैया ओ दुकान वाले भैया, मुझे 2 केजी चावल दो पूरब दिशा में,
क्या बोला हो? 2 kg चावल दो पूरब दिशा में। अब क्या चाहिए तुझे? दुकान वाला बोला, क्या चाहिए तुझे? 2 kg चावल पूरब दिशा में। तो दिमाग ठिकाना है क्या तेरा? दिमाग ठिकाना है क्या? बोल रहा है ये, क्या कैसे मैं पूरब दिशा में चावल तुझे 2 kg चाहिए लेके जाना भाई? तो मोलू समझा, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा ही होता है ना। तो पूरब दिशा क्यों जोड़ रहा है तू? पश्चिम दिशा क्यों जोड़ रहा है तू? तो बोला कि मोलू ने, गोलू ने तो ऐसा बताया था कि डिडक्शन भी देनी होती है साथ में। तो उसने समझाया, फिर किराना वाला भी क्या था, ग्रोसरी वाला भी क्या था, फिजिक्स पढ़ी थी अपने से, तो भाई समझाया उसने कि भाई आरामखोर सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ ही ऐसी होती है। ये पढ़ा नहीं तू? पढ़ क्या पहले जा, 11th class की बुक खोल, चैप्टर 4 पढ़ ले, डॉक्टर, तब जाकर तुझे समझ में आ जाएगा। समझ आ रही चीज? तो फिर वो मोलू का जो है ठिकाना लगा। उसने बोला कि भाई, फिर वो आया हमारे पास है ना, उसको पढ़ना था तो हमारे पास ही आया, सीधी सी चीज़ है। तो मोलू ने फिर क्या करा, गोलू को पकड़ा और गोलू ने शांति से उसको समझाया। फिर देखो गोलू ने उसको क्या समझाया, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। गोलू ने समझाया कि बेटा हर क्वांटिटी ऐसी नहीं होती है, तू कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, हर में थोड़ी ऐसा होता है। फिर मोलू ने कहानी शुरू करी, देख बेटा अगर तुझे स्केलर वेक्टर देखना है तो कोई भी क्वांटिटी है जिसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला होता है उसका स्केलर, दूसरा या तो फिर कोई क्वांटिटी, पहले या तो स्केलर नहीं है तो वेक्टर होगी, वेक्टर नहीं है तो क्या होगी? स्केलर होगी। अब सवाल उठता है, मोलू ने सवाल पूछा कि तू वेक्टर किसे बोलेगा, स्केलर किसे बोलेगा? अब वेक्टर में देख, वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में देख बेटा तेरा क्या होता है, वेक्टर अगर कोई चीज है तो उसकी क्या होती है, पहली चीज मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये होती है वेक्टर में, है ना। कैसे? सुन, अब मैं तुझे बोलू कि तुम्हारी बाइक की रफ्तार क्या है, तुम बोलोगे 20 मीटर पर सेकंड। कौन सी दिशा में? दिशा आपको दिखानी पड़ेगी। तुम पूर्व की ओर जा रहे 20 मीटर पर सेकंड से, पश्चिम की ओर जा रहे 30 मीटर पर सेकंड से। अरे चीज समझ में? तो मतलब ऐसी क्वांटिटी से अपना हो गया वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर मैं ले लूँ एग्जाम्पल, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया, है ना, फोर्स हो गया, ये सारी चीजें जो कैसी है अपनी, वेक्टर है। फोर्स भी आप देखोगे, मान लो कोई ब्लॉक पड़ा है, फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो फोर्स आपने कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, लेकिन किस दिशा में लगाया वो भी दिखाना जरूरी बनता है। तो दिशा भी दिखाना बहुत ही जरूरी बनता है बच्चा लोग। तो जो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड तो दिखाना ही है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मूल्य, 10 न्यूटन क्या उसका मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन क्या उसका मैग्नीट्यूड है, 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 जो आप बोले हो यहाँ पे क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को तो दिखाना जरूरी बनता ही है, साथ साथ में उसकी डिरेक्शन भी दिखानी बहुत ही जरूरी बनती है बच्चा लोग। बोलो आई बात क्या समझ में? आई क्या समझ में? नहीं चमका, है ना। तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी, एक्सलेशन, फोर्स, बहुत सारा क्वांटिटी है, पूरे फिजिक्स में 2 साल आप पढ़ोगे, है ना। तो आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है कि अगर ऐसी क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो मान लो वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। अरे मोलू बोला, अरे वो तो वेक्टर है, अरे वो तो वेक्टर है। अब मोलू को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो स्केलर का क्या बवाल है, तो स्केलर मतलब वही जिसका ताल्लुकात सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही है, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। जैसे मैं बोलू एग्जाम्पल, अरे बोलू मैं मास, अरे जब ग्रोसरी की शॉप में जब वो चावल लेने गया था तो वहां पे उसकी अच्छा से उसको हड़काया गया था, अरे गधे क्या बोल रहा है तू ना। तो मास भी क्या हुआ, अपना स्केलर हुआ। मास को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और कौन है फिर? और है चार्ज, है ना। चार्ज भी क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी है, या पढ़ोगे 12th में, ठीक है। चलो वेरी गुड। फिर आता सेकंड पॉइंट के ऊपर, तो सेकंड पॉइंट बच्चा लोग आपका जो है एग्जांपल, है ना। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनियो, ध्यान से। हे, अब मान लो ये अपना मशीन हो गया, अब मान लो 2 kg चावल है, ऑलरेडी 2 kg चावल है, ठीक है। मैं और 1 kg डाल रहा हूँ तो टोटल चावल कितना हो जाएगा? अरे ये तो गधा भी बता सकता है,
अरे ये तो हो जाएगा टोटल, अरे हमें तो आता है 2 + 2 = 4, अरे इतना भी आसान है क्या 4 kg? तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है तो स्केलर को तो सम करना आसान है, तो मतलब स्केलर का जो सम अगर हमें करना है तो हो जाए, इट इज वेरी इजी टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, है ना, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है बाय यूजिंग अलजिब्रा का यूज करके हम उसका ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किसमें, सिर्फ स्केलर में, किसमें, स्केलर में। अब कहानी आती है वेक्टर में, बट ऐसा नहीं है, वेक्टर में ऐसा नहीं है। अब देखा ध्यान से ना, अब वेक्टर की कहानी कुछ और है, अब वेक्टर की कहानी देखियो क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। गांव देखो, गांव है ना, गांव तो पता ही होगा आपके, गांव में कुआ होगा, अरे भाई क्या हो रहा है, बहिरे हो जा, यहाँ ड्रॉ करते कुआ ना, उसको गांव में क्या होगा, कुआ होगा, कुएं में आपने नहाया भी होगा, है ना, नहाओ नहाना नहीं है, थोड़ा बड़ा सा कुआ ड्रॉ करता हूँ मैं, अरे भाई इरेज क्यों नहीं हो रही है, क्या हुआ, परेशानी है कुछ, अब देखो ना, है ना, गांव में आपके कुआ होगा, चलो ड्रॉ कर लेते कुआ, अरे भाई आ जाओ, ये हो गया बढ़िया सा कुआ, दिमाग खराब है क्या इसका, गांव में होगा कुआ, है ना, तो यहाँ पे देखो पुली रखी होती है, थोड़ा कुआ बड़ा ड्रॉ करते हैं, पुली रखी होती है ना, तो मान लो बीच में क्या है, बाल्टी है, इस बाल्टी को रस्सी से खींच रहे हम लोग, है ना, ऐसे गोलू मोलू खींच रहे, ठीक है, इसको गोलू मोलू खींच रहे, तो बाल्टी से क्या होगा, आपने देखा फिजिक्स जो है ना, नेचर को भी फिजिक्स आती है, लेकिन आप ऑब्जर्व करने की शक्ति जो होती है वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। तो यहाँ पे गोलू मोलू क्या कर रहा है, रस्सी को खींच रहा है, तो ये ऐसे खींचेगी यहाँ पे, ऐसे खींचेगी, है ना, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ऐसे खींचेगी यहाँ से भी, तो बाल्टी तो यहाँ मूव नहीं हुई, ना ही यहाँ मूव हुई, समझ रही चीज। अगर आप देखोगे किसी भी चीज को आप खींचते हो, पुल करते हो, मान लो इस ब्लॉक को आप पुल करते हो इस दिशा में, तो जाहिर सी चीज है कि ब्लॉक जो इसी दिशा में ही मूव होगा, ऐसे ही मूव होगा, ये आ रही चीज समझ में, ये ऐसे ही मूव होगा, ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि एक ने इसको ऐसे खींचा, इसने ऐसे खींचा, जाना चाहिए ऐसे या ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा कैसे है, बोलो, कमेंट जरूर करोगे, अपवर्ड कैसे जाएगा, ये अपवर्ड ही जाएगा, तो क्यों गया भाई ये, क्यों गया, तो यहाँ पे बेटा नेचर को भी फिजिक्स आती है, सुनियो, नेचर को भी फिजिक्स आती है, नेचर को भी फिजिक्स आती है, वो तुम्हें पूछने नहीं आई बार बार कि बेटा मुझे क्या करना, उसको पता है वो जो कर रहा है नेचर, वही हमें सीखना है, तो नेचर ने क्या करा, मतलब यहाँ से देखोगे, आपने जो स्केलर में क्या करा था, 2 2 4 करा था, वैसे यहाँ पे नहीं हो सकता ना, कि आपने मान लो इसको मैं करूँ यहाँ पे, एक ऐसे गया, ऐसे फोर्स लगा ना, एक ये तो गया ऊपर, तो मतलब इनका दोनों का मिला के रिजल्टेंट इफेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है दोनों का मिला के रिजल्टेंट इफेक्ट जा रहे हैं ऊपर, तो ये हमें सीखना पड़ेगा, ये ऊपर क्यों जा रहा है, कितने दिशा में जा रहा है, कितनी मात्रा में लगा होगा। तो बेटा वेक्टर को ऐड करने के लिए, टू ऐड वेक्टर्स, वी विल यूज ट्राइंगल मेथड और पैरेललग्राम मेथड,
देखो मैं थोड़ा हट जाता हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसा हट जाता हूँ, ऐसा ऐसा। देखो मैंने क्या लिखा है, वी एड वेक्टर टू एड वेक्टर्स, टू लिख देना आगे, टू एड वेक्टर्स वी यूज, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टू ही लिख रहा हूँ ना, टू एड वेक्टर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्राइंगुलर एंड पैरेललोग्राम मेथड। अब ये क्या है वो आप आगे बताऊंगा मैं, आई चीज समझ में, समझ में आई क्या चीज, हमें अगर स्केलर है तो स्केलर में 2+2=4 हो जाएगा, आसान है, सिंपल मैथ से वो आप कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है वेक्टर की, तो वेक्टर की क्या होती है, दिशा भी होती है, क्या होती है, दिशा, तो डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा ना, जाहिर सी चीज है, तो मैग्नीट्यूड उसका लफड़ा कैसा है, अलग है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग हमारे पास मेथड लेके आ गए, क्या मेथड लेके आ गए, पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगुलर मेथड। बोलो आई चीज समझ में, क्या चीज आई, क्या समझ में। अब आपका जो है आगे वाला टॉपिक 4.2.1 है ना, 4.2.1, तो देखो यहाँ पे, तो टॉपिक का नाम जो है यहाँ पे आपका है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वैसे आप पढ़े ही होगे ना, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से सुनियो क्या क्या चीज इसमें याद करनी है, ठीक है, वैसे मैं याद करवा ही दूंगा, टेंशन ना लियो। अब बात करनी है बच्चा हमें पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हमें बात करनी है। तो देख लियो यहाँ पे, यहाँ पे जो गोलू मोलू की कार है, ठीक है, छोटी सी कार है BMW, पैसे वाले बंदे थे तो BMW रखेंगे, सीधी सी चीज आपकी तरह, है ना, तो BMW कार है, तो कार जैसे टका टक टन 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 टन, है कि नहीं, ऐसे शुरू हुआ है, यहाँ से सब गिन रहे, हम तो निकल रहे हैं माँ दुर्गा टेम्पल से, हम लोग निकले थे, यहाँ पे क्या है माँ दुर्गा टेम्पल, ठीक है, समझ रहे चीज, तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए लो, तो पॉइंट ये क्या है, पॉइंट ये क्या है, ये जो है इसका ये पोजीशन है, क्या है ये, इसकी पोजीशन है, पॉइंट बी भी क्या हुआ, पोजीशन हुआ, पॉइंट सी क्या हुआ, पोजीशन हुआ। लेकिन जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे, थोड़ा जो है कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे से, है ना, लो कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये जो डिरेक्शन होगे ना, ये जो डिरेक्शन यहाँ से ही है, इस दिशा में होगी, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर मतलब क्या हुआ कि डिरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाना जरूरी बन जाता है वहाँ पे। तो यहाँ से डिरेक्शन क्या हो जाएगी कि माता के एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री अपना वेक्टर है, है ना, 30 डिग्री क्या है, सुनना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमने जो दिशा दिखा दी कि भाई एक्स के साथ जो 30 डिग्री पे अपना वेक्टर है, वाई के साथ अपना जो है 50 डिग्री पे है, तो मतलब डिरेक्शन दिखाना जरूरी बन जाता है। वैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक तरह का वेक्टर दिखा दिया हमने, है ना। बोलो आ रही चीज समझ में, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हुआ है ना। तो हमें क्या पोजीशन, पोजीशन मतलब कोई एक पॉइंट की पार्टिकल कहाँ पे एग्जैक्ट है, तो पोजीशन को दिखाने के लिए भी हमें क्या पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर दो तरह की क्वांटिटी है, एक तो डिस्टेंस है और एक तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो दोनों में ही अंतर है, डिस्टेंस अपना जो है, डिस्टेंस अपना जो है कैसा स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट अपना जो है कैसा वेक्टर है, चीजों को ध्यान में रखना, डिस्टेंस अपना कैसा है स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट अपना कैसा कैसा है बच्चा लोग, वेक्टर है, कैसा है जरा बोलो, जरा कैसा है, कैसा है जरा, वेक्टर है, कैसा है, वेक्टर। तो यहाँ पे जो है हमने ये जो एरो करके दिखाया, ये अपना कैसा है, डिस्प्लेसमेंट, अरे ये तो है डिस्प्लेसमेंट, है ना,
जिसको दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अरे हमें तो चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये अपना कैसा हो गया, वेक्टर। क्या हो गया, वेक्टर। अब हमारा डिस्टेंस जो है, मान लो बी पॉइंट की मैं बात करूँ, तो बच्चा लोग बी पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे चुनचुनू ऐसे आ गया यहाँ पे, तो ये जितना भी अंतर काटा है ये सारा अंतर जो है गिना जाएगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस में किस में गिना जाएगा, अरे डिस्टेंस में। बोलो आई बात समझ में। तो यहाँ से एक चीज़ हमने सीखी है, सुनना, ध्यान से समझना, सोचना, सीखना कि ये जो अंतर है, ये जो अंतर है। देखो मैं अलग पेंसिल देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, अपना रेड पेन वाला बढ़िया। अरे तेरे क्या रे भैया, यहां तक गया है ना। और ये जो चीज है, ये है ना, वैसे ये पूरा स्ट्रेट है, थोड़ा ऐसा ड्रो नहीं कर पाऊंगा एकदम स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट ड्रो करना थोड़ा मुश्किल है यार। कर लेते दोस्तों, तो कर लेते हैं। इरेज क्यों नहीं हो रही है, समझ लो ना, कोई बड़ी चीज नहीं, समझ लो। ऐसा मान के चलना कि कैसा है, स्ट्रेट है। कैसा ये स्ट्रेट है, ये कैसा है, स्ट्रेट है। तो ये मान लो ये अपना हो गया डिस्टेंस, और ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सवाल पर आपको ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, क्या डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं, उससे बराबर जरूर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो यहां पे एक चीज आप देख लो कि डिस्टेंस जो है बेटा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, और जो है छोटा होगा और कैसा होगा, या तो फिर इक्वल होगा, है ना। समझियो ध्यान से, छोटा होगा या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव। लेकिन ये जो है जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसा, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, है ना। चलो मम्मी आ गई थी बीच में, है ना। तो देख लियो, थोड़ा जो मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ कैमरे का। तो यहां से हमने क्या सीखा बच्चा लोग, कि डिस्प्लेसमेंट जो इक्वल या जो है उससे छोटा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट किससे, डिस्टेंस से। याद करना चीजों को, वन मार्क के सवाल में ये चीजें जो है आती है और काफी बच्चों ने मिस्टेक करी इसमें, तो अच्छे से याद करना इन चीजों को। क्या बता रहा हूं मैं, सुनो, समझ में आ रही चीज क्या है ना। तो ये कहानी हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन वेक्टर की। अरे क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सटी आ गया था लग रहा है मुझे। यहां पे जाओ, है ना। चलो तो यहां पे देख लियो, तो ये तो हो गई डिस्टेंस एंड पोजीशन वेक्टर की बात है। अब बात करते हैं अपना इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। मान लो कोई वेक्टर, वेक्टर को दिखाने के लिए जो ना होती है, वेक्टर मान लो कोई क्वांटिटी है, फोर्स को लिखते हैं वैसे, तो उसको अगर मुझे दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, उस लेटर को आप करोगे बोल्ड में। कैसे लिखोगे, बोल्ड लेटर्स में, ऐसे है ना, ऐसे बोल्ड में लिखोगे आप। और अगर मास कैसे अपना स्केलर है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लाइट, लाइट में, है ना। ये हो गया वेलोसिटी, आप बोल्ड में लिखोगे ऐसे, ठीक है, बोल्ड में ऐसे। या तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर उसके ऊपर एरो दिखा दोगे, ऐसे एरो, ऐसे एरो कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया वेक्टर, है ना। तो वेक्टर को शो करने का तरीका ये। अब टॉपिक की बात करूं मैं, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी।
तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर मतलब इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं। देखो यहां से, तो वेक्टर की होती है डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब मान लो ये कपड़ा जो लाल कलर का कपड़ा है, रेड कलर का कपड़ा है, दूसरा ही रेड कलर का कपड़ा है, ठीक है, दोनों कलर रेड है, अब दोनों की साइज सेम होगी तब जाके आप बोलोगे कि कैसे सेम है, सब कुछ सेम होगा तभी बोलोगे ना आप सेम है। तो वेक्टर में भी वैसा ही है, सब कुछ मतलब क्या डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वो दोनों सेम है तो फिर दोनों वेक्टर सेम हुए। देखो कैसे, ये वेक्टर अपना जो है मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, वैसे दूसरा कोई वेक्टर है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री 10 न्यूटन, तो दोनों वेक्टर कैसे हुए इक्वल। आई बात समझ में? अगर मान लो 10 न्यूटन अगर है और एंगल बना रहा है 40 न्यूटन या मान लो 31 डिग्री, तो भी क्या होगा इक्वल नहीं होगा, 30 मतलब 30 ही चाहिए तभी सेम बोला जाएगा। तो ये क्या है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, बोथ शुड बी सेम, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। चमका क्या चीज आई समझ में, है ना? लो ये हो गया। अब आता हूं मैं, अब सवाल उठता है कि मान लो मल्टीप्लाई, अब वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय नंबर, अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर को तो क्या होता है। तो मान लो कोई वेक्टर है 10 न्यूटन मैंने दिखाया, 10 न्यूटन है कि नहीं, तो 10 न्यूटन मैंने लिखा, तो अगर इस वेक्टर को मान लो ऐसे है, ये वेक्टर कुछ ऐसे है 45 डिग्री एंगल है और 10 न्यूटन है, इसको मैं कोई लेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मान लो कोई भी लेटर मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो जाएगा 6। तो वेक्टर का भी क्या है सेम बवाल है, वेक्टर का भी सेम है, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये 20 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन में कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। मल्टीप्लाई करोगे तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे बेटा, मैग्नीट्यूड में, 10 न्यूटन का 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, तो अगर मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 20, जो भी है, क्या ही बात समझ में। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ये था आपका टॉपिक, कि वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से, 10 न्यूटन है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20, है ना? तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय नंबर, डिरेक्शन रहेगी सेम, बाकी मैग्नीट्यूड में ही चेंजेस आएगा। तो आओ देखते हैं क्या क्या सीखा हमने। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या सीखा, डायरेक्शन साइन कन्वेंशन सीखा कि साइन हमें कैसे लेनी है। तो साइन हमें कैसे लेनी है, राइट में होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, डाउन होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। ये डायरेक्शन जो है पूरे 2 साल आपको याद होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की डिरेक्शन आप ऐसे ही लोगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डिरेक्शन आप कैसे लोगे, ऐसे ही लोगे बेटा, है ना? याद हुई क्या चीज, है ना? आप बढ़ते आगे, अब देखो यहाँ पे, तो वेक्टर एंड स्केलर आपने पढ़ा, तो गोलू मोलू की कहानी पढ़ी आपने, पानीपुरी वाली, है ना? तो गोलू मोलू की कहानी आपने क्या सीखा, गोलू क्या था, पागल था, ठीक है? तो वेक्टर की क्या होती है, डिरेक्शन होती है, एंड क्या होती है, मैग्नीट्यूड, स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बुलाई बार समझ में है कि नहीं? अब देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको ये याद करनी है, ये याद करनी है बेटा, पूरी याद करनी है, लिखो, ठीक है? और इसको कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखोगे आप सभी चीजों के, 3 टाइम्स करोगे होमवर्क, घिसो इसको अच्छे से, ठीक है? वैसे कोई नहीं, आसान चीज है। स्केलर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड, उसमें होता है मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, याद कर लो, ठीक है सब? तो ये हो गया। फिर हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर सेम होते हैं कब, जब उसका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है? तभी बोला जाएगा कि हमारा वेक्टर कैसा है, सेम है। अब उसको दिखाने का तरीका, या एरो करो या क्या करो, बोल्ड लिखो, है ना? ये हो गया तरीका। फिर आता है नेचर वाला, फिर आता है मल्टीप्लाई बाई नंबर, अगर किसी भी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो उतने गुना वो हो जाएगा, है ना? आप करते हैं यहाँ तक, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करोगे, और एक चीज़ और करोगे, 3 बच्चों को, 3 फ्रेंड को बस शेयर मार दोगे, है ना? ये चीज़ कर दो फटाफट, चलो 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 चलो। अब करते हैं हम खुल जा सिम सिम, करते हैं टाटा बाय बाय।